पापा मैं अपनी नई गाड़ी लेने जा रही हूँ। अरे वाह, पापा कैसी लग रही है? तो गाड़ी ठीक है, आपने कभी सोचा था कि इतना महंगा ड्राइवर मिलोगे? हेलो एवरीबॉडी, सो फाइनली आज बहुत ही ज़्यादा हैप्पी डे है फॉर मी जैस्मिन एवरीबॉडी, बिकॉज फाइनली जैस्मिन की आज गाड़ी की डिलीवरी होने वाली है एंड शी सो एक्साइटेड, शी सो हैप्पी। मैं अभी जिम जा रहा हूँ एंड जिम के बाद सीधा उसी गाड़ी की डिलीवरी लेने जाएंगे। इट्स अ बिग डे। काफ़ी टाइम पर वो अपनी गाड़ी चेंज कर रही है क्योंकि मैं उसको बोलता रहता हूँ, बट वो टिपिकल प्रॉपर उस टाइप की इंसान है जो गाड़ी का अच्छे से 3-4 साल यूज़ करती है फिर नई गाड़ी लेती है। तो उसकी पहली वाली गाड़ी भी उसको मैंने फोर्सफुली दिलाई थी बिकॉज शी इज़ नॉट इन टू ऑल दिस ना। वो बहुत चिल्ड आउट अपनी लाइफ में, मतलब अगर उसको आप बोलोगे तुझे पूरा दिन कैब में घूमना है तो शील बी लाइक फाइन, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जैसा आप सबको पता है, लव कार्स, मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, सो दैट्स वाई मैं हमेशा उसको बोलता रहता हूँ। एंड दिस टाइम फाइनली शी हैज़ डिसाइडेड टू बाय वन ऑफ द बेस्ट कार्स एंड आई एम सो हैप्पी। हम दिखाएंगे अभी आपको कि कौन सी गाड़ी लेती है एंड उसके बाद वी माइट गो फॉर डिनर उसके मम्मी पापा के साथ। एंड ये शायद मेरा पहली बार उन दोनों के साथ में डिनर होने वाला है, नहीं पहले एक बार हुआ है लंच या बट डिनर आफ्टर बिग बॉस आई थिंक शायद पहली बार है। सो या लेट्स सी कैसा होता है क्या होता है एंड आप सबको अपडेट रखेंगे। A few hours later. पापा मैं अपनी नई गाड़ी लेने जा रही हूँ जो मेरी फर्स्ट एक्सपेंसिव लग्जरी बाय है मर्सिडीज, कैसा लग रहा है आपको? ऐसा नई गाड़ी लेने जा रही है? हाँ। अच्छा, कौन सी ले रही नई गाड़ी? मर्सिडीज। मर्सिडीज बेंज? हाँ। ये थोड़ी ऊंची वाली एसयूवी है या नॉर्मल है? एसयूवी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुन के। आजकल एसयूवी का जमाना है, थोड़ी रोड क्लियर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, वेलकम बेटा, बहुत खुशी हुई। हाय, हेलो, कैसे आप दोनों? हेलो, ऑल गुड, ऑल गुड। आज बहुत ही स्पेशल डे है, आज हमने क्या कहते हैं गाड़ी लेने जाना है एंड ऑल एंड देन यू मैसेज, तो हमने सोचा चलो आपसे भी बात कर ले। क्या चल रहा है? मैं तो बढ़िया हूँ, बस आप दोनों को भी एक खुशखबरी देनी थी मुझे। क्या बात? क्या गर्लफ्रेंड मिल गई? अरे नहीं, ऐसा नहीं, एक्चुअली मेरी जॉब लग गई थी। ओह वाओ, पर तुम तो अभी कॉलेज में ही हो ना, अभी डिग्री का हुई है पूरी? सो लास्ट सेम ही, मतलब फाइनल सेम में मैं एग्जाम दे रहा था जब, तो उसके पहले मैंने री लेवल का एक टेस्ट दिया था, तो उससे मेरी जॉब लग गई एक्चुअली। एग्जाम दे के? यप। वो लोग मतलब जरा डिग्री नहीं देखते क्या? नहीं नहीं, वो तो चाहिए हो प्रोसीजर। हाँ, मतलब प्रोसीजर काफ़ी आसान है बेसिकली, आपको बस कुछ नहीं, उनके प्लेटफॉर्म है, उनकी वेबसाइट पे जाना है, तो वहाँ पे वो टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। सो उन टेस्ट में मतलब ऐसा होता है कि आपको एक स्पेसिफिक स्लॉट चूज़ करना होता है और वो मतलब फिर आप उस पर्टिकुलर डे पे अपना टेस्ट दे सकते हो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो मतलब जो टॉप MNCs हैं और जो टेक स्टार्टअप्स हैं इंडिया के अच्छे, उनमें वो आपका इंटरव्यू कराते हैं एंड वंस यू क्लियर द इंटरव्यू बस फिर आपकी जॉब लगेगी। तो मतलब फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप कितनी बार टेस्ट दे सकते हो। और ऐसा भी है कि उनके पास मॉक टेस्ट होते हैं, सो इफ़ यू थिंक कि आप किसी चीज़ में पीछे रह रहे हो तो आप मॉक टेस्ट देके उसको अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हैं। एंड देन अगेन, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितनी बार टेस्ट दे सकते हो। अभी तो काफ़ी आसान हो गया है क्योंकि सिर्फ 500 मार्क्स ही चाहिए होते हैं टेस्ट क्लियर करने के लिए। अभी बस 500? हाँ आ रही है जी, सिर्फ 500। एक्चुअली पहले काफ़ी ज़्यादा होता था, 700 होता था कट ऑफ, बट अब इसका 500 मार्क्स ही हो गया है, तो मतलब आप इजिली क्लियर कर सकते हो ये टेस्ट अपना। और ऐसा भी होता है कि लेट्स से इफ मतलब आप रैंक होल्डर हो और उसमें तो आपको फर्स्ट रैंक पे आपको एप्पल प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे आते हैं, तो फर्स्ट पे मैकबुक, सेकंड पे आईफोन, थर्ड पे एप्पल वॉच। और इवन इफ यू आर नॉट इन टॉप 3 देन यू कैन गेट गुडीज ऑफ द लेवल।
तुम्हारी प्लेसमेंट तो कैंपस से भी हो जाती राइट, फिर री लेवल क्यों? री लेवल में मतलब मल्टीपल इसके फायदे हैं। सो पहला फायदा तो ये है कि आप अपनी फील्ड खुद से चूज कर सकते हो रादर देन जैसे आपको कैंपस डिसाइड करके देता है। तो मतलब लेट्स से आपको नॉन टेक में जाना है तो आप नॉन टेक में जा सकते हो, आपको टेक में जाना है आप टेक में जा सकते हो। और ये भी है कि कॉलेजेस में अच्छे प्लेसमेंट्स आते नहीं हैं जनरली, और आते भी हैं तो मिलना मुश्किल होता है। तो इसमें ये रहता है कि आपका अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको काफ़ी अच्छे मतलब 10-40 LPA के ये लोग पैकेजेस लगवा देते हैं। सो बस वही है, और इनका मोटो जो है थिंक करियर थिंक री लेवल, तो वो भी एकदम करियर ओरिएंटेड है। और अब तो ऐसा हो गया प्रथम I should tell about this to my brother. मुझे अपने भाई को बताना चाहिए इस बारे में, है ना अली? तो यार सही बात बताऊं भाई, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे दी आपने हमको। अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं और जैस्मिन दोनों शूट पे, तो हम आपसे मिल नहीं पाए, लेकिन 100% आपसे मिलके मतलब मैं तो ये बोलूंगा टेस्ट, मैं अभी जैसा सब कुछ चेंज करता हूँ, हम तो मैं भी करूंगा, मतलब हम बस हम देखते चलो, और बाकी जो गुड न्यूज है गर्लफ्रेंड वो भी दे देना हमको आपसे फिर बाद में, ठीक है? ठीक है चलो फिर, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, किल इट, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। So cute यार। छोटे थे हमारे पास कार नहीं थी, और जब हम बड़े बड़े हो गए तो ऑब्वियसली स्कूटर पे पापा को सबको ले जाना मुश्किल हो जाता था। तो मेरे पापा अपने फ्रेंड्स से कभी कभार कार बोरो करके हमें वीकेंड्स पे बाहर लेके जाते थे। प्रॉपर पापा पूरा प्लान करते थे कि हाँ आज मैंने अपने फ्रेंड से बात कर ली है एंड ऑल, फिर हम बाहर जाते थे। पापा आपने कभी सोचा था कि ऐसे हम एक दिन मर्सिडीज में बैठ के घूमने जाएंगे? नो डाउट, पहले ऐसा नहीं सोचा था। हाँ इधर देखो उसके पहले भी तेरे पास जो गाड़ी थी वो भी अच्छी थी। हाँ वो भी बहुत अच्छी थी, बट आपने कभी सोचा था कि तूने सरप्राइज ही दिया कि भाई मैंने पापा में, बट गाड़ी ठीक है, आपने कभी सोचा था कि इतना महंगा ड्राइवर मिलोगे आप? ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कभी जिंदगी में आपको अली गोली ड्राइवर मिलेगा, इतना प्यारा बच्चा ड्राइव करेगा हमें बिठा के, इतना महंगा ड्राइवर कहां। पापा छोड़ो, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं भी कभी इतनी महंगी गाड़ी लूंगी, मुझे बड़ी जान जाती है गाड़ियों में पैसे खर्च करने में। सबसे पहले वो ली थी, ये तब भी कहां ली थी वो, उसका स्कोडा रैपिड जो पहली बार मैंने इसकी इसकी वो चेंज कराने में मुझे पता है कैसे मैंने कराई है। कैमरा ऑन होती है आप चेंज हो जाते हो, बोलो ना क्या बोला था? नहीं नहीं आपने उसके बाद बोला था मेरी गाड़ी के लिए कुछ, बहुत अच्छे दिन आई है। आपने बिग बॉस में आती बात क्यों नहीं करने दिया? विश ही नहीं करने दिया, मैं किसी को विश भी करूं? आंटी जैसी बात कर रहे हैं आप आगे बोलो, एक मिनट। हाँ नहीं बोलो, यहाँ तो मैं फिर भी बोल रही हूँ, घर पे तो बिल्कुल ही नहीं बोल रही। क्या बात कर रहे हो, झूठ झूठ, घर ऐसे तो बहुत सुना औरतों का वो जवाब होता है, ये ठाकुर साहब कहलाते हैं पूरे शहर के। आपकी कार चलती है?
यहाँ पे नहीं चलती, यहाँ मियर एम्बो पे खराब है मेरी। और लालू गाड़ी कैसी लगी? बहुत अच्छा। चलाओगे बराबर प्यार से? मिकी तुमने देखी? हाँ देखा। कैसी लगी? अच्छा ओ मिकी पर लाइटिंग है प्रॉपर। लाइटिंग सब पे है। आप बताओ ना आपको कैसा, आप इंटरव्यू दे नहीं रहे हो, आप बाकी वाले लिए जा रहे हो? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वेरी हैप्पी एंड थैंक यू तुझे कि तू मुझे ऐसी चीजों के लिए मोटिवेट करता रहता है। अदरवाइज मैं, तुझे पता है मैं कैसी हूँ, मैं आई ट्राई टू रन अवे फ्रॉम एक्सपेंसेस। नहीं अच्छा, ऐसे सब करना चाहिए, सही बात है। हैप्पी ना, इसकी वजह से वो। आंटी आपने वेट लूज किया है, आपका वेट कम हो गया है ना, अब आपकी, अब आपकी आंखें खुलने लगी है। पहले आपकी आंखें नहीं खुलती थी ना, स्वेलिंग बहुत थी मेरे। हाँ इसकी भी नहीं खुलती जब इसका वेट बढ़ता ना फेस पे। इमोशनल डैमेज यार अंकल, ये ऐसी बकवास कर रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। दिखता आपके, हाँ हाँ डांसर है वो, बहुत अच्छे। मेरे पास सारी वीडियोस है आपकी, वो उस दिन की शादी। मेरे 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 भाई मेरे से 8-8, 6-6 साल छोटे हैं, 10 साल छोटे हैं, मैं उनके ट्यूशन बढ़िया। नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे डांसर हो। नहीं नहीं मैं देखा ना आपका डांस बाद में, फिर जैसे आप लेटे हुए थे वो भी देखा थक के। हाय गाइस, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए हमारे वीडियोस को, चैनल को। और हमें बहुत मजा आया ये वीडियो शूट करने में, स्पेशली अंकल के साथ तो मेरे को बहुत ही मजा आया एंड बहुत फन है। एंड यार जैसे की गाड़ी लेने में और मजा आया, गाड़ी उसने ली है, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। एंड गाइस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन सब भूल जाओ, बेल आइकन। एंड गाइस वीडियो खत्म होने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा। ये कुछ दिन पहले हमने एक बहुत हमारे टैलेंटेड सिंगर सिद्धू मूसा वाला जो थे उनको खोया। इट वाज अ बिग शॉक फॉर ऑल ऑफ अस एंड मेरे लिए पर्सनली स्पेशली था, क्योंकि मैं उनके बहुत गाने सुनता था एंड आई यूज टू, मैं जिम के टाइम सिर्फ उसके ही गाने सुनता था एंड मुझे बहुत दुख हुआ तब से। एंड मैं चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते, बाकी जो हुआ है उस पर तो हमारा कोई, हम कुछ भी नहीं कर सकते एग्जैक्टली, बट हम इतना कर सकते हैं कि हम अपनी इस वीडियो में एंड में उनके लिए छोटा सा ट्रिब्यूट, उनकी छोटी सी कुछ यादें हम डालना चाहेंगे। आई होप यू विल ऑल लव इट एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एंड या सिद्धू मूसेवाला, रेस्ट इन पीस ब्रदर, यू विल बी अलाइव हम सब के लिए, हमारे दिल में, एंड आपका म्यूजिक कभी ख़त्म नहीं होगा। यू आर अ लेजेंड।